नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके हाथ में ये रेखाएं हैं तो आप एक बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपकी वो सफलता कामयाबी की तरफ लेके जा रही है। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ पे तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली है हमारी जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक घटना क्रम को या एक एक एक्टिविटी को बताती है। यह हमारी मस्तिष्क रेखा है। हम किसी बात को कितना गहराइयों तक लेके जाते हैं, हमारा विचार कितना एक्टिविटी से काम कर रहा है उसके बारे में बताती है। यह हमारी हृदय रेखा है, हमारा किसी के साथ कितना अटैचमेंट है, किसी के साथ हम कितना लगाव से जुड़े हैं उसके बारे में बताती है। तो आज हमारी जो एक्टिविटी है बड़ी अधिकारी रैंक की, सबसे पहले ये हाथ का जो कलर है ना, ये गुलाबी होना चाहिए। आपके अधिकता आपके क्वालिटियों को दर्शाता है। जो गुलाबी रंग का हाथ होता है वो एक राजयोग के बारे में बताता है कि आपकी जो लाइफ है एक राजयोग के बराबर है। और उसके साथ ये पर्वतों का, ये बुध का पर्वत है, ये हमारा सन का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है, ये हमारा गुरु का पर्वत है, ये हमारा चंद्र का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत है। ये पर्वतों का उठा उभार जो होता है ना, उन्नत का होना चाहिए, एक मीडियम का होना चाहिए। और इनके ही माध्यम से आपके पावर बनती है, इन ग्रहों की एक्टिविटी को बताती है। सबसे पहले अगर हम राजयोग की बात करते हैं, बड़े अधिकारी रैंक की बात करते हैं, तो सबसे पहले इस अपने अंगूठे को देखते हैं। अंगूठा हमारा कितना एक्टिविटी है, हमारे अंदर कितनी सोच को दर्शाता है। हस्तरेखा में बहुत बड़ा महत्व रखता है अंगूठा। और ये अंगूठे के अंदर ये अगर बना हुआ एक दीप हमारे व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है, हमारी क्वालिटी को दर्शाता है कि हम कितने निपुण हैं, किसी काम को लेकर कितनी एक्टिविटी हमारे अंदर है, वो हर एक टैलेंटता को दर्शा देता है। ये सिर्फ यहां पर बना हुआ दीप, दीप कैसे बनता है, ये पूरी तरह प्रॉपर बनना चाहिए। अगर इसमें एक दीप के अंदर एक चिन्ह बन जाता है, आपके अंदर की क्वालिटी इतनी बेहतर होगी, इतनी सोचने की शक्ति इतनी अच्छी होगी, हर किसी चीज को परखने की आप एक मिनट में उसके गुणों को बैठे बैठे समझ जाएंगे। और दूसरा क्या होगा, ये जो अंगूठे का पहला पर्व है, ये पहला पर्व जो है अंगूठे का, हमारे इस गुरु के फिंगर के पहले पोर तक पहुंचना चाहिए। ये पहले पोर तक पहुंचना चाहिए, आपके जो ये अंगूठे का पोर है यहां पर पहुंचता है, तो पहली कंडीशन आप पार कर रहे हो कि आप एक सरकारी नौकरी में प्रवेश कर रहे हो, इस चीज की एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं। इसी के साथ ये जब भी हम सरकार की बात करते हैं, बड़े अधिकारी की बात करते हैं या बड़े स्तर की बात करते हैं, तो सूर्य, ये हमारा सूर्य का जो पर्वत है, ये सूर्य की फिंगर है, ये हमारे सरकार की कनेक्टिविटी जोड़ती है। अगर ये सूर्य की फिंगर बड़ी है और सूर्य का ये पर्वत उठा हुआ है, इसका मतलब आप सरकार से जुड़ने वाले हो, दूसरी परंपरा भी आप पूरी कर रहे हो। सूर्य सरकार का कारक माना जाता है और सूर्य के ऊपर ये बनी हुई एक सीधी रेखा आपके क्वालिटी को बढ़ा रही है, आपकी पावर को दर्शा रही है, आप एक सफल और एक कुशल नेम फेम पाने वाले हो। और यहां से निकली एक भाग रेखा आपकी हर क्वालिटियों को पूरी कर रही है, बस मेहनत करने की जरूरत है आपको, एक लगन लगाने की जरूरत है, एक प्रयास करने की जरूरत है,
रेखाएं तो इशारा करती हैं, कर्म तो आपको खुद करना पड़ेगा, लेकिन ये रेखाएं दर्शा रही हैं आपको नौकरी के बारे में। अब बुद्ध की एक्टिविटी, किसी चीज को समझने की बोलने की कला ही आनी चाहिए आपको, बुद्ध की एक्टिविटी बताएगी। अब बुद्ध की एक्टिविटी क्या है, ये जो बुद्ध की फिंगर है हस्तरेखा में, जो ये हमारी फिंगर्स होती हैं, ये हमारी एटीट्यूड के बारे में बता देती हैं। बुद्ध के एटीट्यूड क्या है, अगर ये बुद्ध की फिंगर जो है ना, ये हमारे सन के पहले पोर तक पहुंच रही है, आपकी बुद्ध की एक्टिविटी बहुत अच्छी है और इस एक्टिविटी को पूरा कर रही है, सरकारी नौकरी के करीब पहुंचा रही है, क्योंकि बुद्ध की एक्टिविटी आपके बोलने की कला होगी, आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे, तभी तो सरकारी नौकरी का योग बनाएंगे ना। तो दूसरी कंडीशन यहां भी पूरी हो रही है आपकी। अब इसके साथ सबसे पहले जो हम देखते हैं भाग रेखा, भाग रेखा प्रबल होनी चाहिए। भाग रेखा प्रबल है, जिंदगी में एक निरंतर सफलता पाने वाले हैं, अथक ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं, राजयोग को पाने वाले हैं। ये भाग रेखा अगर प्रबल है, अब इस भाग रेखा से कैसे दर्शाएगी कि आपको सरकारी नौकरी में बड़ा पोस्ट मिलने वाला है, ये सूर्य की फिंगर, ये सूर्य की प्रभा से एक फिंगर आपकी गुरु के फिंगर पे पहुंच रही है। आप एक और कंडीशन को यहां पर पूरा कर रहे हैं, सरकारी की नौकरी में और बड़े पद की नौकरी के पाने के बारे में। दूसरी जो कंडीशन है वो प्रॉपर हाथ में होनी चाहिए, हाथ की रेखाओं का जो उद्गम होता है या पावर होता है इन पर्वतों से होता है। अब यहां से हमारी ये जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा से 1 2 3 ये रेखाएं जीवन में उन्नत को दर्शा रही हैं, आपके प्रोग्रेस के बारे में दर्शा रही हैं, आपकी उन्नत प्रोग्रेस उसके बारे में कि आप जीवन में उस सफलताओं का योग बता रही हैं, आप जिंदगी में वो मुकाम हासिल करेंगे उसके बारे में इंडिकेशन दे रहे हैं। और इसी के माध्यम से जिंदगी में सुख सुविधाएं प्राप्त करेगी। जो शुक्र की फिंगर है, माफ करना, ये जो शुक्र का पर्वत है ये गोलाई लिए हुए हो, आपको जिंदगी में सारे सुख सुविधा, ये सुखों का घर हम बोलते हैं इसको, जिंदगी में सारी सुख सुविधा यहीं से देखते हैं, हस्तरेखा में सारी सुख सुविधा मिलने वाली है। अब आपकी सूर्य की फिंगर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये भाग रेखा प्रबल होनी चाहिए, बुध का पर्वत उठा होना चाहिए, शनि का पर्वत उठा होना चाहिए, और ये गुरु का फिंगर जो है ये गुरु की बड़ी होनी चाहिए, और इसके ऊपर बनी हुआ जीवन रेखा से ऊर्ध्वमुखी रेखाएं होनी चाहिए, जिसको हम प्रोग्रेस रेखा बोलते हैं। इसको जिंदगी में हर वो लक्ष्य इंसान प्राप्त करता है, अगर ये सारी योग है आपके हाथ में, आप निश्चित रूप से एक दिन सरकार की सेवा में रह के बड़े अधिकारी की नियुक्ति के पद पर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तब इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।